नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है कास्ट्रोल इंडिया लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। देखिए स्टॉक का प्राइस आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ईयर 2014 में टॉप ग्रेड किया था, उसके बाद देखिए प्राइस 24 रेड लाइन को टेस्ट कर रहा था। प्राइस वहां पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का जो रेड लाइन यहाँ पे जा रहा था, ये था मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस। एंड फाइनली ईयर 2024 जुलाई मंथ में प्राइस यहाँ पे उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे एक बड़ा टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड को एस्टेब्लिश कर रहा है। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस, देखिए उसका इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है रेड लाइन, उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। एंड जिस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिला है, ऑलरेडी हम यहाँ पे एनालिसिस किए थे जब ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी दिया है आपको एंट्री करने के लिए। अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने लेना चाह रहे तो इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं। उसके साथ ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। अगर अभी आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस, देखिए जिस टाइप का यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसी केस में प्रीवियस लो बनेगा 243 के आसपास स्टॉप लॉस, और आने वाले टाइम में जो टारगेट बनेगा इसलिए यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम का टारगेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो टारगेट मेजर करने के लिए अभी हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन। जो शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 332 का, जो कि बन रहा है 2.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। बड़ा टाइम फ्रेम में तो स्टॉक का प्राइस 500 को टेस्ट कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में 330 को एक बार टेस्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, सेल्स देखिए यहाँ पे 1325 से जंप होकर हो गया है 1398 का, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 216 से जंप होकर हो गया है 232। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो कि प्राइस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। उस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा और हमेशा से एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।